कैसे आप लोग? अच्छे होंगे। आज सबकी तैयारी लगभग जोरों से चल रही होगी और कहीं ना कहीं इस समय आप अपनी ज़िंदगी का बेस्ट देने के लिए लगे हुए होंगे। दोस्तों, यह जो प्राथमिक भर्ती परीक्षा है सहायक अध्यापक के लिए, यह आपके लिए एक KVC जीतने के बराबर है। जैसा कहा जाता है कि KVC जीतकर आप जिस प्रकार करोड़पति हो सकते हैं, उसी प्रकार आप अपने अंदर से इंटरनल एक KVC जीतने के बराबर यह परीक्षा पार करना है। क्योंकि दोस्तों, इस समय जो भीड़ है पूरे प्रदेश में, जितने भी लड़के, जितने भी अभ्यर्थी टेट परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं या उत्तीर्ण करने की संभावना रखते हैं, वे सभी अपनी ज़िंदगी का पूरी तरह से अपना बेस्ट दे रहे हैं। इस उद्देश्य से कहीं वो सहायक अध्यापक बन जाए, और ज़रूर बने। लेकिन दोस्तों, अब फर्क क्या क्या आता है? फर्क क्या आता है कि लोग सोचते हैं कहाँ पढ़ें, किससे पढ़ें, कितना पढ़ें, कब पढ़ें। दोस्तों, ये सभी के साथ समस्याएं होती हैं, साथ मेरे भी साथ होंगी, आपके साथ भी होंगी, और हो सकता है आपके लिए मैं बेहतर विकल्प हो भी सकता हूँ, कुछ लोग के लिए नहीं भी हो सकता हूँ। कुछ लोग के लिए मेरी पढ़ाने की शैली अच्छी नहीं होगी, कुछ लोग के लिए बेहतर होगी, कुछ लोग मुझे डिसलाइक करेंगे, कुछ लोग खुलेगा नहीं। दुर्गेश सर के साथ पढ़ के मैं सफल हो सकता हूँ, अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकता हूँ। दोस्तों, सफलता जो असफलता होती है उसके बीच एक छोटी सी खाई होती है। पता है आपको, 3.5 लाख लगभग लड़के अभ्यर्थी इस UPTET में क्वालिफाई होंगे। 18-17 में लगभग 1 लाख क्वालिफाई थे, वे सभी हमारे साथ इस रेस में दौड़ रहे हैं। ये हमें सोचना या इस बात को ताड़ना कि हम अकेले पढ़ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं हमें पढ़ रहे हैं, यह हमारी और आपकी मूर्खता है, यह हमारी सोच के अपने आप में मोनोपोली है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हमारे साथ पूरा प्रदेश सभी अभ्यर्थी पढ़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं सब अपने हिसाब से एक बेहतर संस्थान में लगे हुए हैं और पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, कैसे पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, ये एक बड़ा अजीब सा सवाल है, और इसका जवाब शायद आप मेरे जवाब से भी संतुष्ट ना हो सके। तो इसके जवाब का जो उत्तर है वो स्वयं आपको खोजना पड़ेगा। अभी उत्तर मिलेगा कैसे, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो हमारे और आपके दिमाग में लगातार घूमते रहते हैं, और सही भी बात है। तो दोस्तों, अब आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। बहुत सारे संस्थान अभी हैं ऐसे जो अभी भी आपके साथ खिलवाड़ करते जा रहे हैं, वो फीस के नाम पे और सिलेबस के नाम पे। लेकिन आप कहीं ना कहीं इतने समझदार हैं, हर एक बात समझते हैं। तो दोस्तों, अपने करियर का समझौता आप अभी मत करिएगा, चाहे कोई कितना कोई खास क्यों ना हो जाए, चाहे मैं ही क्यों ना हूं। अगर करियर की बात आएगी तो आप यह देखिएगा कि आपको सबसे बेहतर परफॉर्मेंस कहाँ मिल रहा है। हम समझौता कर लेते हैं, मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं, अरे यार मेरे नज़दीक के हैं, ये मेरे रिलेटिव हैं, और समझौता कर लेते हैं, और करने के बाद कहीं ना कहीं हम ऊंचाई तक जाते हैं, सब बेहतर पढ़ाते हैं। और मुझे, मैं ऐसा करता हूँ, सारे अध्यापक, सारे टीचर सब मुझसे बेस्ट पढ़ाते हैं। किंतु दोस्तों, पढ़ना और पढ़ाने से अगर हो जाता ना तो हर बच्चा पास होता। एक क्लास में अगर 100 लड़के होते 100 सफल होते, ये वास्तविकता नहीं है। कहीं ना कहीं इसमें कुछ कमी है। अगर सब बेहतर पढ़ाते, अगर एक कक्षा में 400 लड़के हैं तो 400 लड़कों का भी सफल होना चाहिए, किंतु ऐसा होता है नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं, सर आपकी ऑनलाइन क्लासेज में ज्वाइन कर ले रहा हूँ, मुझे ऑनलाइन नोट्स चाहिए। लेकिन सर, नोट्स और मेरी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना सफल नहीं हो पाएंगे, मेरी ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करने से आप सफल नहीं हो पाएंगे जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करेंगे। कुछ दिन से टेक्निकल फॉल्ट हो जाने की वजह से 2 दिन मेरे यूट्यूब पे वीडियो, मतलब जो ऑनलाइन जिन्होंने क्लास ज्वाइन की थी, नहीं मिल पाया, किंतु मैंने उसको सही करा लिया है, अब पूरी तरह सही हो गया है। आज संध्या के बाद से अब सबको पूरी तरह से बेहतर वीडियोज, बेहतर नोट्स, मैं सब कुछ उपलब्ध कराऊंगा, ताकि आप सफल हो सके। आप उस पर भरोसा किए हैं, इस उद्देश्य किए हैं कि मैं सफल हो जाऊंगा, तो मैं आपके इस भरोसे पे जरूर खरा उतरूंगा, क्योंकि मैं भी एक अभ्यर्थी हूं और एक अभ्यर्थी की पीड़ा समझता हूं। आज मैं इस फिर अपने YouTube चैनल से, फिर इस मंच से मैं आप सबको एक साथ कह रहा हूं, जो प्रशिक्षु असच्छा में पैसा देने के मेरे साथ आए, मैं उनको पढ़ाऊंगा, ऑनलाइन क्लासेस में उनको दूंगा, क्योंकि यदि मेरे पढ़ाने से, मेरे थोड़े समय देने से यदि किसी की जिंदगी बन सकती है, तो मैं अपनी हर वाणी, हर वीडियो, हर लेक्चर उनके लिए कुर्बान करता हूँ। पता है, सबकी बहुत इच्छा होती है पढ़ाना, पैसे कमाना, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। क्या मेरे अंदर नहीं है? है, लेकिन मुझे ये लगता है यदि मेरी वजह से एक अभ्यर्थी सफल हुआ तो मैंने एक घर बसाया। तो फिर यही है कि अब आपको कैसे पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, कितना पढ़ना है, मैं बेस्ट हूँ या नहीं, ये सारी बहुत सारी सी कहानियाँ हैं जिसका निर्णय को स्वतः करना होगा। फिर ये सोचना होगा कि आपको मुझसे जुड़ना चाहिए या नहीं।
इसलिए दोस्तों बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो अलग अलग कोचिंगों में फंसे हुए हैं, जहां जानते हैं कि अब बेस्ट नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों चंद रुपए के नाते अपने आप से समझौता कर लेते हैं, अपने करियर का समझौता कर लेते हैं। लेकिन मैं उन्हें जबरदस्ती नहीं ला सकता, मैं ये नहीं कह सकता कि आप हो सकता है मेरे आइए, मैं उनसे बेस्ट हूँ। फिर भी अंदर से आत्मा कहती है यार मैं उनके लिए कुछ करूँ, तो मैं उनके साथ तो नहीं जा सकता, लेकिन मैंने ये सोचा है कि मैं प्रतिदिन एक दिन अंतराल पे, या किसी दिन हो सकता है तबीयत ना सही हो, किसी दिन ना हो पाए, लेकिन फिर भी मैं औसतन प्रतिदिन आपको अपनी तरफ से एक यष्टि दूंगा, एक 150 प्रश्नों का पेपर, नए जो सिलेबस है आपका अभी तक जो मेरे पास है, जो सबके पास है पुराने वर्ष का, एक प्रैक्टिस सेट और एक प्रैक्टिस सेट, एक मार्कशीट दूंगा, ताकि आप 150 प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू कर दें और यह देखें आप कितना कर पा रहे हैं। और उसके लिए आपको कहाँ से मिलेगा सबसे बड़ा ये प्रैक्टिस सेट, कहाँ से मिलेगा? मैं आप इसके लिए आपसे कोई चार्ज नहीं लूँगा, क्योंकि मेरा खुद चार्ज क्या है कैसे है, क्योंकि मैं आपकी इतनी मदद कर लूँगा, क्योंकि आपको ये लगना चाहिए कि जिस संस्थान में आप जहाँ पढ़ रहे हैं, क्या वहाँ जो पढ़ाया जा रहा है उसका आपके सिलेबस से, परीक्षा से या प्रैक्टिस सेट से कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंध है, अथवा आपके टाइम के साथ चंद रुपयों के नाते खिलवाड़ किया जा रहा है। इसके लिए अब प्रश्न उठता है मेरे प्रैक्टिस सेट कहाँ मिलेंगे, तो मैं आपको बता दूं मेरे प्रैक्टिस सेट आपको कहाँ मिलेंगे। आप टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिएगा, टेलीग्राम प्ले स्टोर में जाइएगा, टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करने के बाद आप उस पर अकाउंट बनाइएगा, अपना मोबाइल नंबर डालिएगा, फर्स्ट और लास्ट नाम डालिएगा, उसके बाद सर्च कॉर्नर पाइएगा, सर्च करिएगा दुर्गेश DURGESH दुर्गेश SIR। ध्यान दीजिएगा, इसमें स्पेस मत दीजिएगा, जैसे इसको आप टाइप करेंगे आपके सामने आएगा ई लर्निंग विद दुर्गेश और इसके नीचे लिखा होगा ज्वाइन। अब जैसे ज्वाइन कर लेंगे आपको सभी चीजें फ्री ऑफ कास्ट एक ही स्थान पर आपको प्रॉपर रूप से मिल जाएंगी, और कहीं ना कहीं यह आपके लिए बेहतर है, और मैं ये जानता हूं कहीं ना कहीं आप बेहतर कर भी लेंगे और सफल भी होंगे। और हो सकता है मैं आपके संस्थान नहीं जा सकता, आपके नज़र में मैं बेहतर नहीं हूँ, लेकिन यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए मददगार साबित होगा। मुझे इसके बदले से कुछ नहीं चाहिए, बस अगर गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ देना चाहते हैं, बस ये भरोसा दीजिएगा आप अध्यापक होने पर जिस विद्यालय में जाइएगा पूरी ईमानदारी से पढ़ेगा, क्योंकि सरकार और इस समाज की जो एक रूपरेखा है, जो नींव तैयार करने की जिम्मेदारी है, वो आपके कंधों पर आने वाली है। तो यह कंधा जिस उम्मीद के साथ, यह समाज, यह सरकार और आप जिस उम्मीद के लिए, जिसके लिए पढ़ रहे, वह काम ईमानदारी से करिएगा, यही मेरी गुरुदक्षिणा है बस, और कुछ भी मुझे नहीं चाहिए। और रही बात ऑनलाइन क्लासेस की, तो मैं फिर आज कह रहा हूँ जो गरीब प्रशिक्षु हो उनके लिए मैं पूरी तरह से निःशुल्क क्लासेज उनको दूंगा, लेकिन एक बात यह है, मैं जब घोषणा करता हूँ तो मेरे पास जितने भी कॉल आते हैं सब कहते हैं मैं गरीब हूँ। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपसे पुनः क्षमा चाहता हूँ कि इस तरह से अगर आप लोग, अगर सब लोग गरीब बन जाएंगे तो फिर मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे वास्तव में जिनको मेरी जरूरत है उनको मुझसे विश्वास और मेरा उनसे विश्वास उड़ जाएगा। फिर मैं हो सकता है जो उस लायक हो, जिसकी मैं मदद करने के लिए सोच रहा हूँ, उसको न करके मैं मुझसे जाने जाने में किसी ऐसे व्यक्ति की मदद हो जाए जिसको मेरी मदद की जरूरत ना हो। इसलिए आप सभी लोग ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के सोचिएगा, यदि आपको मेरी जरूरत है, आप उस लायक नहीं है, आपको मेरी जरूरत है, तो मैं आपके लिए तैयार हूँ और तब तक रहूंगा साथ जब तक आप एक सहायक अध्यापक, असिस्टेंट टीचर ना बन जाए बस। और रही बात ऑनलाइन क्लासेज की, ऑफलाइन क्लासेज की या मेरे यहाँ के पढ़ने की, तो उसके लिए भी आप जानते हैं मेरी जो कोचिंग संस्थान है ये जौनपुर जनपद में है, और जौनपुर जनपद में टीडी कॉलेज रोड के पास वेद कॉन्वेंट स्कूल में अनुपम के जस्ट बगल में है, आप यहाँ के भी पढ़ सकते हैं, यष्टि दे सकते हैं, और साथ ही साथ मेरी ऑनलाइन क्लास अगर आपको लगती है ज्वाइन कर लीजिए। यदि आपको लगता है मैं और कोचिंग की अपेक्षा यदि मैं कुछ बेहतर पढ़ाऊंगा तो आप जरूर जुड़िएगा, और हो सकता है, क्योंकि जानते हैं सफलता और असफलता के बीच जो अंतर होता है ना, एकदम माइनर अंतर होता है, 4.5 लाख लोग एक साथ पढ़ रहे हैं, उसमें सफल वही होगा जो हम सबसे बेहतर होगा, इसलिए इसमें सब दौड़ रहे हैं, लेकिन सफल वही होगा जिसकी रेस तेज होगी और जो दूसरों को आगे निकल जाए। अगर हमारी रफ्तार हल्की स्लो ही तो भगड़ वाला क्लास कर ले। जो भी टेट पास है, पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ, सभी लोग पढ़ रहे हैं, कोई हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठा है, लेकिन हम तभी सफल होंगे जब हम उनसे ज़्यादा कट ऑफ लाएंगे। ये यूपी टेट नहीं है, यहाँ 82 और 90 नहीं लाना है, यहाँ स्कोर करना है, या कट ऑफ जारी होगी। यहाँ अगर
आप पॉइंट से भी पीछे रहते हैं तो हाथ मलते हुए रह जाना पड़ेगा और इस सामने से आंख के सामने से भर्ती प्रक्रिया चली जाएगी और हम खून के रास्ते रोएंगे लेकिन नतीजा कुछ नहीं होगा, परिणाम कुछ नहीं निकलेगा। इसलिए फिर मैं आपसे पुनः कहूंगा, यदि आपको लगता है मैं बेहतर हूँ आप मुझसे जुड़िएगा। रही बात मेरी पेड क्लासेस चलती है, नो डाउट लोग जुड़ते क्योंकि मेरे पास भी खर्च है, मेरे पास संस्था है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए मैं दूंगा बेस्ट। बेशक मेरा कुछ होना हो, मुझे नहीं बचाना है, मुझे नहीं कमाना है, बस अगर मैं इससे जाने जाने में अगर दो गरीबों की मदद हो गई तो दो घर में बसा दूंगा। फिर भी यदि मेरी बात का किसी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष से बुरा लगा हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। अगर आप ऑनलाइन क्लास जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। और रही बात, हाँ एक बात बताना भूल गया कि लोग सर पूछते हैं कि नोट्स कब से मिलेंगे, तो मैं आपको बता दूं, नोट्स जो मिलना है वो आपको जो मिलेंगे नोट्स वो मिलेंगे आपको 6 तारीख के बाद। अभी नहीं मैं दे पाऊंगा, उसके कई कारण हैं। पहला कारण, सिलेबस से परिवर्तन होने वाला है। यदि मैंने आपको नोट्स दे दिया, आपने नोट्स प्राप्त कर लिया, सिलेबस बदल जाएगा, कहीं ना कहीं आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आप सभी यदि ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं या ऑफलाइन मुझसे आगे पढ़ना चाहते हैं, समय मत गवाइए, समय नहीं है, आइए और जुड़ के पढ़िए। और हम आपका स्वागत करते हैं और हम ये उम्मीद रखते हैं आप मेरे साथ आएंगे और सफल रहेंगे। अगर ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो 6306344367 पे कॉल करके आप ऑनलाइन क्लास से संबंधित कोई भी जानकारी ले सकते हैं और हम आशा करते हैं आप मेरे साथ जरूर जुड़िए और मैं आपकी सफलता की 100% गारंटी लेता हूं। लेकिन यदि आप मेहनत करेंगे तो और मेहनत करेंगे तो परिणाम भी मिलेगा और सफलता झकमार के पीछे आएगी। और मुझे पता है आप मेहनती हैं, पूरी ईमानदारी से मेहनत करेंगे, इसलिए आप अपने बारे में मुझसे बेहतर जानते हैं। इसलिए आप अपनी जिंदगी का बेस्ट दीजिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा आप अपनी मेहनत के अनुसार जरूर सफल हो और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।